नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता जिसकी थीम है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें पंजीकृत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे किसी भी एक विधा में हिस्सा ले सकते हैं और वो विधाएं साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर केंद्रित हो सकती हैं। तो जो हमने प्रावधान कर रखा है साहित्यिक प्रतियोगिता में निबंध लेखन प्रतियोगिता, काव्य लेखन प्रतियोगिता, काव्य पठन प्रतियोगिता जिसमें आप छोटे बच्चों से प्रेरक कविताओं का पठन करवा सकते हैं, उनके वीडियो भेज सकते हैं। ये प्रतियोगिता के वीडियो आपको भेजने होंगे तब जबकि आप बाल भवन में अपने बच्चे का नाम पंजीकृत कर दें। इसी तरह से मूर्ति कला जो 1x1 वर्ग फीट में के आकार की होगी, चाहे वो बस्ट बनाए या पूरी मूर्ति बनाए, मूर्ति कला में विशेष रूप से ध्यान देना है कि इन बच्चों को उन लोगों की मूर्तियां बनानी हैं जो वो उचित समझें। लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और भी दिवंगत जो हमारे जन हैं जबलपुर से जुड़े हुए, जैसे व्यवहार राजेंद्र सिंह हैं, और इसके अलावा और भी जो हमारे विद्वान पुरुष हैं, जिस तरह से हमारे एक पुरातत्ववेत्ता थे हीरालाल जी राय, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं, उनका भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं। ये पोर्ट्रेट और मूर्ति कला आप दोनों समान रूप से किसी की भी बना सकते हैं। तो बच्चे जो इसमें पारंगत हैं, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो लेके आ सकते हैं। मूर्ति में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, इसका ध्यान देना होगा। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता जो मैं पत्र इसके अंदर अब आज के इस प्रसारण में डाल रहा हूँ YouTube अपने, तो इस प्रतियोगिता में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। जितनी भी प्रतियोगिता है उसमें गायन होगा, गायन लाइव होगा और वादन भी लाइव होगा। गायन में आप लोकगीत, राष्ट्रीय गीत, सुगम संगीत के अन्य सारे तरीके, और इसमें मुख्य रूप से हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले जबलपुर के जो दिवंगत या वर्तमान में सक्रिय कवि हैं उनकी देशभक्ति या प्रेरक रचनाओं पर केंद्रित जो प्रस्तुतियां होंगी उसमें बच्चों को शामिल किया जा सकता है। बच्चों को अपनी प्रतियोगिता में प्रदर्शन प्रतिभा प्रदर्शन करने के लिए अधिकतम 5 मिनट का वक्त मिलेगा जो लाइव होगा, इसका लिंक हम पृथक से भेज देंगे। आपको अगर और विस्तार से जानकारी चाहिए तो कृपया आप संपर्क करें। हमारा पता है 727-2-A 727-2-A, जी हाँ फिर से सुनिए 727-2-A कमला नेहरू नगर अग्रवाल कॉलोनी पार्श्वनाथ जैन मंदिर के बाजू में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो अग्रवाल कॉलोनी में स्थित है उसके थोड़ा सा आगे, बिल्कुल एक बिल्डिंग आगे ये बाल भवन अवस्थित है। यहाँ पर आकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं, विस्तृत मार्गदर्शन भी आप यहाँ ले सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं में हम चाहेंगे कि मूर्ति कला में कोई भी बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ना बनाए, मिट्टी की मूर्ति स्वीकार्य होगी। और हम नहीं चाहेंगे कि पत्थर से कोई चीज़ बनाई जाए क्योंकि बच्चों को ये बहुत श्रम साध्य होगा, इसलिए बच्चे जो
प्रकृति के अनुकूल जो मिट्टी है उसका उपयोग करें, उसमें किसी तरह के ज़्यादा केमिकल वगैरह ना डालें। इसके अलावा हस्तकला, चित्रकला में भी बच्चे भाग ले सकते हैं। हस्तकला में भी उनको 1×1×1 यानी 1 घन फीट का जो वो है वो बनाना होगा। पेंट जो हस्तकला है उससे बड़ी साइज़ की नहीं होनी चाहिए, उससे कम चल जाएगा, ताकि बच्चे को कैरी करने में भी कोई समस्या ना हो। इसमें भी प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो जितना कम से कम इको फ्रेंडली अपना तरीके से आर्ट को प्रस्तुत करेगा वो उसे उतना प्रमुखता के साथ रखा जाएगा। हस्तकला के मामले में, पेंटिंग्स के मामले में छोटे बच्चों के लिए जो शीट प्रयोग करना है वो करना है 1/4 शीट। ये समझ जाएंगे शॉपकीपर्स और बच्चे भी समझते हैं, और इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 1/2 शीट जो है वो उपयोग में लाई जानी है। पोएट्री जो बच्चों की मंगाई जा रही है, उस पोएट्री में जबलपुर के रचनाकार हैं उनको ध्यान रखना है। निबंध के लिए विषय दिए हुए हैं, जबलपुर से संबंधित हैं। अगर कविता में कोई बच्चा कविता पाठ करना चाहता है, या तो वह जबलपुर के कवियों की रचना आप शामिल करें, या बाहर के कवियों की अगर आप रचना शामिल करते तो मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा प्रसिद्ध रचनाकारों को, लेकिन बच्चे को ये जानना और बताना होगा कि ये किस कवि की रचना है। वास्तव में इस पूरी प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि आप लोग भी इस बारे में बहुत विस्तार से जान लें, लेकिन पंजीयन बहुत ज़रूरी है। पंजीयन कराने के लिए जो फ़ोन नंबर आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें अपना फ़ोन नंबर और नाम, और फ़ोन नंबर वो दीजिए जिसमें कि आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा सके, उसके ज़रिए हम प्रतियोगिता का विस्तृत जानकारी दे देंगे। अंतिम तिथि हमने 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है, और उसका कारण ये है कि हमसे बार बार बच्चों ने डिमांड की है कि इसमें नृत्य विधा को भी शामिल किया जाए। तो हम 5 मिनट का वीडियो उन बच्चों से भी मंगाएंगे जो नृत्य विधा के साधक हैं, सीख रहे हैं। कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, बुंदेली लोक संगीत, लोक नृत्य, इसके अलावा जो कथक है वो, या कोई भी शास्त्रीय गैर शास्त्रीय जो नृत्य हैं, कंटेम्परेरी जो नृत्य हैं, समसामयिक नृत्य हैं, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। हमारे प्रतियोगिता में संगीत विधा का लाइव प्रसारण किया जाएगा, और उसके लिए आपकी प्रतियोगिता जूम के माध्यम से हम आयोजित करेंगे इस प्रतियोगिता को। इसके लिए तिथि हम अलग से दे देंगे पंजीकृत बच्चों को, और इसका बाकायदा बाल भवन के आईडी से फेसबुक के जरिए भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, अथवा हम इसमें भी प्रचार करेंगे व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर भी हम अपनी जानकारी फ्लैश करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट किलकारी पर भी विजिट कर सकते हैं, और बच्चों को ये विस्तार से जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। तो जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्हें पंजीयन कराना बहुत अनिवार्य है, बिना पंजीयन के किसी भी प्रविष्टि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो सहयोगी साथी अगर सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए उनसे ये निवेदन है, पहले तो उनका आभार कि वो स्वयं इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं,
वो सभी मिलकर उनको बच्चों को ये सूचना संसूचित कर दें, कम्युनिकेट कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।